स्टूडेंट, जैसे हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, हमारे वैज्ञानिक थे ओरेस्टेड, उन्होंने हमें ये बताया था कि जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हमारे वैज्ञानिक थे ओरेस्टेड, उन्होंने हमें ये बताया था कि हम जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब किसी चालक में हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसके बाद हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उनकी मन में बहुत लंबी धारणा चलती रही, क्या इसका व्युत्क्रम भी हो सकता है? अर्थात कि जब किसी चालक के पास हम चुंबकीय क्षेत्र ले आए तो क्या उसमें धारा प्रवाहित हो सकती है? तो सन 1831 में हमारे एक वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक फैराडे, उन्होंने अपने प्रयोगों से स्वतंत्र रूप में ये सिद्ध किया और ये बताया कि जब किसी चालक में हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो उसके चारों ओर उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब किसी चालक में हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो उसमें आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और जब उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तो इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जरा फिर से सुनिएगा, जरा समझिएगा। हमारे एक वैज्ञानिक थे ओरेस्टेड ने कहा कि जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी विद्युत धारा में एक गुण होता है कि जब भी किसी चालक में आप धारा प्रवाहित करो तो उसके चारों ओर क्या आ जाता है? चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। इस बात को लेकर हमारे बहुत से वैज्ञानिकों के मन में एक लंबे समय तक बहुत बड़ी धारणा चलती रही, क्या इसका व्युत्क्रम भी हो सकता है? व्युत्क्रम का मतलब कि अगर चालक के पास हम चुंबकीय क्षेत्र ले आए तो क्या उसमें धारा उत्पन्न हो जाएगी? तो इस चीज को समझाने के लिए, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए सन 1831 में हमारे इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे फैराडे, और इंग्लैंड के वैज्ञानिक जो फैराडे थे, इन फैराडे ने यह बताया कि जब चालक के पास हम चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे, किसी चालक के पास अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कर देते हैं तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और तब इस घटना को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। लेकिन फैराडे ने एक चीज का क्लियरेंस किया, एक चीज बताई कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण तभी हो सकता है जब आपके पास चुंबकीय फ्लक्स होगा। जब आपके पास चुंबकीय फ्लक्स होगा तभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हो सकती है। जब तक चुंबकीय फ्लक्स नहीं होगा तब तक विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना नहीं हो सकती है। अब दिमाग में बात आती है कि चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई हम तल रख दें और उस तल में से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं उनकी संख्या की माप हमारी क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई तल रख दें और उस तल में से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं हमारी क्या हो गुजर जाती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये चुंबक का हमारा नॉर्थ ध्रुव और ये मान लीजिए आपका चुंबक का साउथ ध्रुव, तो नॉर्थ से साउथ तक हमारा क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र में मान लो हमने ये कोई एक तल रख दिया और जैसे ही इस तल को रखा तो इसमें से हमारी क्या गुजरने लगी? चुंबकीय बल रेखाएं गुजरने लगी।
और इस तल में से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी उनकी संख्या की माप हमारी क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। देखिए जरा कैसे, मान लीजिए ये हमारा कोई एक तल, तल को हम इस तरीके से रखेंगे, लेकिन बोर्ड पर ऐसे तल दिखा नहीं सकते हैं, तो तल ऐसे इस तरीके से हो जाता है। मान लीजिए ये हमारा कोई तल है और ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो ये हमारा आपका चुंबकीय ध्रुव नॉर्थ और ये चुंबकीय ध्रुव साउथ, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ और ये चुंबकीय क्षेत्र में हमने देखे ये आपका एक तल रख दिया। इस तल में से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं हमारी गुजरेंगी उनकी संख्या की माप हमारी क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। मतलब जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में आप कोई तल रखते हो उस तल में से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर जाती हैं उनकी संख्या की माप हमारी क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ये हमारा मान लीजिए ये तल है, इसका क्षेत्रफल कितना a और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र कितना वेक्टर b। अब मैंने चुंबकीय तल की दिशा को थोड़ा सा बदल दिया, ये अब हमने तल ले लिया, इस तल को उठाकर हमने ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा, लेकिन अब तल की दिशा को हमने क्या किया, बदल दिया। ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये तल की दिशा, तल के क्षेत्रफल की दिशा। तो ये जो तल लिया इसको उठाकर हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो तल में से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं हमारी गुजर गई इनकी संख्या की माप क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र और तल के क्षेत्रफल का सदिश गुणनफल हमारा चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। तल का क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र का सदिश गुणनफल हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। और याद करिए आपने कभी पढ़ा होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो वैसे यहां पर बी माने चुंबकीय क्षेत्र, ए माने क्षेत्रफल, बी माने चुंबकीय क्षेत्रफल, ए माने क्षेत्रफल, दोनों का हमने सदिश गुणनफल किया तो इनका सदिश गुणनफल हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। अर्थात इसको कह सकते हैं हम लोग बी ए कॉस थीटा। यहां पे जो थीटा एंगल है वो बी और ए के बीच में बनता है, बी माने चुंबकीय क्षेत्र, ए माने क्षेत्रफल के बीच का एंगल क्या बनता है, थीटा बनता है। और अगर इस थीटा को आप बदलते हो तो आपका चुंबकीय क्षेत्र, आपका फ्लक्स की संख्या क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी।
अगर थीटा को आप बदलोगे, किसका थीटा, बी और ए के बीच का अगर थीटा बदलते हो, तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। हाँ, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या हुआ, तो चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। यहाँ पे बी डॉट ए किसके बराबर हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा के, जहां पे थीटा कोण जो है किसके बीच का है, बी और ए अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और तल के क्षेत्रफल के बीच का कोण है। अगर इस थीटा को हम परिवर्तित करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, हमारा परिवर्तन होगा। अगर इस थीटा को हम परिवर्तन कर देंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में हमारा क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो फिर से देखिए चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई हम तल या पृष्ठ रख देते हैं और उसमें से जितनी हमारी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं उनकी संख्या की माप क्या कहलाती है, हमारी चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और तल के क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, और इनके बीच में बनने वाले कोण पर हमारा चुंबकीय फ्लक्स निर्भर करता है। अब आते हैं वापस अपने लौट के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो सन 1831 में फैराडे ने कहा था कि जब किसी चालक से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स संख्याओं में अगर हम परिवर्तन करें, जब किसी चालक से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स संख्याओं में हम परिवर्तन करें, तो परिवर्तन करने पर उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और उस बल के कारण उसमें एक धारा प्रेरित हो जाती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, और इस पूरी घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। फिर से सुनिएगा, अब इसी चुंबकीय फ्लक्स को लेकर फैराडे ने यह बताया कि जब किसी चालक से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में अगर हम परिवर्तन करें तो उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, उस बल के कारण उसमें एक धारा प्रेरित हो जाती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, और इस पूरी घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तभी हो सकता है जब हमारा परिपथ बंद परिपथ होगा। अगर खुला परिपथ होगा तो उसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना नहीं हो सकती है। अगर जब आपका बंद परिपथ होता है तभी उसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हो सकती है। आइए देखिए कैसे। आइए इस चीज को समझिए कैसे। ये सपोज करिए, ये मान लीजिए कि हमारी एक कोई कुंडली, इस कुंडली के साथ ये हमने यहां पर रियोस्टेट लगा दिया। देखिए, ये हमने एक आपकी कुंडली ली, इस कुंडली के साथ यहां पर ये हमने एक धारा नियंत्रक लगाया, धारा नियंत्रक के साथ यहां पर ये हमने एक बैटरी जोड़ दी, और बैटरी के साथ यहां पर ये हमने एक कुंजी लगा दी। इसको कहा कुंजी के, ये प्लस ये माइनस, ये धारा नियंत्रक एच, ये पहली कुंडली, इसको नाम दे दिया प्राथमिक कुंडली पी, और इसी के पड़ोस में ये हमने एक दूसरी कुंडली रख दी। ये दूसरी कुंडली में हमने ये लगा दिया आपका धारा मापी जी।
हमने क्या किया, सबसे पहला काम यहां से कुंजी को बंद किया। जैसे कुंजी को बंद किया तो यहां से बैटरी से इसमें क्या प्रवाहित हुई बेटा, आपकी धारा प्रवाहित हुई, ये धारा कुंजी से बैटरी में, कुंडली में हमारी क्या प्रवाहित हुई, धारा प्रवाहित हुई। और जब इसमें धारा प्रवाहित हो गई प्राथमिक कुंडली में, तो वैज्ञानिक ओरेस्टेड के अनुसार इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। वैज्ञानिक ओरेस्टेड के अनुसार इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी चुंबकीय बल रेखाएं ये द्वितीय कुंडली में से हमारी क्या होंगी, गुजर जाएंगी। ये हमारी चुंबकीय बल रेखाएं द्वितीय कुंडली में से क्या हो रही है, गुजर रही है। ये हमारी चुंबकीय बल रेखाएं द्वितीय कुंडली में से क्या हुई बेटा, आपकी गुजर गई। ये हमने प्राथमिक कुंडली ली, ये इसमें हमने रियोस्टेट लगाया, ये रियोस्टेट के साथ ये बैटरी लगाई, यहाँ पे कुंजी लगाई, ये द्वितीय कुंडली ले ली और द्वितीय कुंडली में यहाँ पर ये धारा मापी लगा दिया। अब यहाँ पर हमने कुंजी को क्या किया, बंद किया, तो प्राथमिक कुंडली में हमारी क्या प्रवाहित हुई, मुख्य धारा प्रवाहित हुई। और मुख्य धारा प्रवाहित होने से प्राथमिक कुंडली के चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और जब प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो उसकी चुंबकीय बल रेखाएं हमारी द्वितीय कुंडली में से क्या हो गई, गुजर गई। और जितनी चुंबकीय बल रेखाएं हमारी गुजरी उनकी संख्या की माप को हमने कह दिया चुंबकीय फ्लक्स फाई वन। जितनी ये बल रेखाएं गुजरी उनकी संख्या की माप को हमने क्या कह दिया, चुंबकीय फ्लक्स फाई वन कह दिया। अब हमने क्या किया, इस धारा नियंत्रक की सहायता से इसमें धारा के मान में क्या किया, परिवर्तन किया। प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में क्या किया, परिवर्तन किया। धारा के मान में परिवर्तन किया, जैसे धारा के मान में परिवर्तन किया तो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। और जैसे द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ वैसे ही इस धारा मापी में क्या होने लगा, विच्छेद होने लगा। इस धारा मापी में क्या होने लगा, विच्छेद होने लगा। और जब धारा मापी में विच्छेद होने लगा तो इसका मतलब धारा मापी विच्छेद होने लगा तो इसका मतलब द्वितीय कुंडली में हमारी एक धारा उत्पन्न हो गई। द्वितीय कुंडली में हमारी क्या उत्पन्न हो गई, एक धारा उत्पन्न हो गई। और द्वितीय कुंडली में जो धारा उत्पन्न हुई इस धारा को हम लोग यहां पर क्या कहेंगे, प्रेरित धारा। और ये प्रेरित धारा कब आई, जब हमने चुंबकीय फ्लक्स में क्या किया, परिवर्तन किया। द्वितीय कुंडली में क्या उत्पन्न हो गई, हमारी प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। और ये प्रेरित धारा कब आई, जब हमने द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में क्या किया, परिवर्तन किया। और जब द्वितीय कुंडली में हमने चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया तो परिवर्तन करने से इसमें एक बल उत्पन्न हो गया जिसको हमने कहा प्रेरित विद्युत वाहक बल। और इस बल के कारण इसमें क्या उत्पन्न हो गई, एक धारा, जिसे हमने क्या कहा, प्रेरित धारा कहा। और यह प्रेरित धारा कब आई, जब हमने चुंबकीय फ्लक्स में क्या किया, परिवर्तन किया। तो फैराडे ने क्या कहा था कि जब किसी बंद परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में आप परिवर्तन करते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और उस बल के कारण उसमें क्या आ जाती है, प्रेरित धारा आ जाती है। तब ये घटना हमारी क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इतना समझ में आ गया, फिर से देख लीजिए। ये हमने प्राथमिक कुंडली ली, प्राथमिक कुंडली में मुख्य धारा प्रवाहित करी, उससे उसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। और उससे इसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो द्वितीयक में चुंबकीय बल रेखाएं पास होने लगी, जितनी पास हुई उनको हमने क्या कहा, चुंबकीय फ्लक्स। अब हमने इसमें मुख्य धारा में क्या किया, परिवर्तन किया, जिससे इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया।
और जब इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो इसमें आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, और उस बल के कारण इसमें क्या प्रवाहित होने लगी, आपकी प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगी। तो ये घटना हमारी अब क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। अब जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो गया तो इसी के ऊपर फैराडे ने अपने नियम दे दिए। पहला नियम क्या दिया, प्रथम नियम, फैराडे ने प्रथम नियम दिया कि जब तक आप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते रहोगे तब तक विद्युत वाहक बल हमारा उत्पन्न होता रहता है। जब तक आप चुंबकीय फ्लक्स में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, जब तक आप चुंबकीय फ्लक्स में क्या करेंगे, परिवर्तन करते हैं, तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहता है। और जैसे फ्लक्स में परिवर्तन करना आप बंद कर देते हो, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होना बंद हो जाता है। जब तक आप फ्लक्स में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और जैसे ही फ्लक्स में परिवर्तन करना बंद कर देते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होना बंद हो जाता है। फिर इसी के बाद दूसरा नियम दिया, दूसरा नियम क्या दिया कि जिस कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसी का क्या करेगा, विरोध करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल जिस कारण उत्पन्न होता है उसी का क्या करता है, विरोध करता है। अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न हुआ था, जब हमने फ्लक्स में परिवर्तन किया था, और जब फ्लक्स में परिवर्तन किया तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, और जिस कारण उत्पन्न हुआ उसी का वो क्या करता है, विरोध करता है। जरा यहाँ पे गौर से देखिए, ये आपकी मुख्य धारा है और मुख्य धारा की दिशा ये है, और प्रेरित धारा ये है, और प्रेरित धारा की दिशा देखिए आपकी उल्टी है। देखिए ये प्रेरित धारा जा रही है, ये गई। तो प्रेरित धारा देखिए मुख्य धारा के कहां बह रही है, विपरीत बह रही है। अर्थात प्रेरित धारा जिस कारण उत्पन्न हो रही है उसी का क्या करती है, विरोध करती है। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उसी का विरोध करता है जिस कारण वो उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके कारण उत्पन्न हुआ था, जब हमने फ्लक्स में परिवर्तन किया तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। यहां तक हो गया, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखिए, अब ये हो गया आपका क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अर्थात कि जब किसी बंद परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल पर उत्पन्न हो जाने के कारण उसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, और इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जब तक फ्लक्स में परिवर्तन नहीं करोगे तब तक आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। जब फ्लक्स में हम परिवर्तन करते हैं तभी हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न होता है। और ये फ्लक्स में परिवर्तन, जब तक आप फ्लक्स में परिवर्तन करते रहेंगे जब तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जिस कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। इसी के ऊपर आधारित आपके घर में जो जनरेटर लगा होता है वो इसी के ऊपर क्या होता है, आधारित होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ऊपर आधारित होता है। जनरेटर में इधर एक डायनामो होता है, डायनामो में कुंडली होती है, उसके ऊपर नीचे ऐसे घोड़े के नाल के आकार के चुंबक लगे होते हैं। वो जो कुंडली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र में लगातार क्या होती है, हमारी घूमती रहती है। और जब वो कुंडली लगातार चुंबकीय क्षेत्र के भीतर घूमती रहती है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। और जब तक घूमती रहती है तब तक बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता रहता है, और बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और उस विद्युत वाहक बल से उसमें क्या आ जाती है, प्रेरित धारा आ जाती है जो हमारे घरों में बहती है। और जब तक आपका कुंडली घूमती रहेगी तब तक चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। जैसे आप जनरेटर को बंद करते हो कुंडली घूमना बंद हो जाती है,
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बंद हो जाता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होना भी बंद हो जाती है। ठीक है, तो फिर से तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपको समझ में आ गया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण तब जब बंद परिपथ होगा तभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा, जब तक बंद परिपथ नहीं होता है तब तक विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना करना चाहते हो तो चुंबकीय फ्लक्स होना चाहिए, अगर चुंबकीय फ्लक्स नहीं तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी नहीं होगा। ठीक, तीसरी बात, सीधी बात, इसको ऐसे आप समझ लें कि ओरेस्टेड ने कहा कि आप चालक में धारा लाइए, उससे क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। अब उसके बाद फैराडे आए, फैराडे ने कहा कि चालक के पास अगर आप चुंबकीय क्षेत्र ले आओ तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण हम कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए चुंबकीय फ्लक्स का और बंद परिपथ का होना हमारे लिए अनिवार्य है। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी तब तक विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं होगा। दूसरी बात, अगर इसके अंदर आप प्रेरित धारा को बढ़ाना चाहते हो तो इसके अंदर नरम लोहे की क्रोड लगा दो, और नरम लोहे की क्रोड लगा दोगे तो प्रेरित धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। अब प्रोफेसर ये नरम लोहे की क्रोड क्या होती है, इस तरीके से नरम लोहे की पत्तियां लीजिए आप, और इन नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखिए, एक गट्ठर के रूप में इकट्ठा करिए तो वो नरम लोहे की क्रोड कहलाती है। और इस नरम लोहे की क्रोड को उठाकर अगर आप द्वितीय कुंडली में रख देंगे तो प्रेरित धारा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, दूसरी बात, अगर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अगर आप बढ़ा दें तो भी आपका प्रेरित विद्युत बल का मान बढ़ जाता है, और अगर फेरों की संख्या कम कर दें तो आपका विद्युत वाहक बल का मान कम हो जाएगा। तीसरी बात, अगर इसका प्रतिरोध बढ़ा देते हैं तो प्रेरित धारा का मान कम हो जाता है, अगर प्रतिरोध घटा देंगे तो प्रेरित वाहक आपका प्रेरित धारा का मान बढ़ जाता है। तो ये नरम लोहे की क्रोड रख दें तो प्रेरित धारा का मान बढ़ जाएगा, अगर फेरों की संख्या बढ़ा दें तो भी हमारा प्रेरित धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तीसरी बात, अगर इसका प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो प्रेरित धारा का मान कम हो जाता है। तो मेरे अनुसार इतना मैंने आपको पढ़ाया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे का टॉपिक जो है हम अगली क्लास में जब मिलते हैं तब आपको बताते हैं। ओके, थैंक यू।